बड़वानी जिले की पाटी पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में कुल 6 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई में 5,60,000 से अधिक मूल्य की 141 पेटी अवैध शराब जब्त की है। गुरुवार दोपहर को एसडीओपी ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम करी में एक आरोपी करण पिता छेलिया को पकड़कर उसके कब्जे की 2 नाव में से 141 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी बड़वानी से अंग्रेजी शराब खरीदकर महाराष्ट्र बेचते थे। वही महाराष्ट्र से भी नर्मदा नदी से 2 नाव के माध्यम से शराब क्षेत्र में लाकर बेचते थे। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को करण उर्फ छेलिया और संजय पिता राधेश्याम को गिरफ्तार किया है। वही 4 आरोपी छतर सिंह, दीपक बघेल, सुरेश नरगावे और एक अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। यह 4 आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस जिनकी तलाश कर रही है। कार्रवाई में पाटी थाना प्रभारी आरके लोवंशी सहित एएसआई केशव यादव, जगदीश बांसले, जीवन चांदोरे सहित अन्य का योगदान रहा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़वानी में लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में अभी परसों के दिन देर रात एक सूचना मिली थी मुखबिर से कि जो नर्मदा पट्टी वाला एरिया है पाटी थाना क्षेत्र का, वहां पर ग्राम करी में नर्मदा नदी में नाव के माध्यम से बड़ी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। और सूचना की तस्दीक करते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा वहां पर दबिश दी गई और दबिश में 141 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी लगभग 1200 लीटर होकर जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है और साथ में 2 नाव जिससे कि अवैध गतिविधियां इसका परिवहन किया जाता था और लगभग कुल मशरू का 10.5 लाख का पुलिस ने जब्त किया है। और अभी तक इसमें 2 आरोपी हम लगातार पूर्व की कार्रवाइयां कर चुके हैं और अभी भी हमारी लगातार इसमें नजर आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ ही बेल आइकन भी दबाए नोटिफिकेशन के लिए। जय न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जींस की गली में, बड़वानी।